गुड मॉर्निंग एवरी वन. ऑडियो वीडियो क्लियर है सब कुछ? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. आ गए सारे लोग, जल्दी जल्दी से आ जाओ ताकि हम सेशन को फटाफट से स्टार्ट कर सके. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. क्या हाल भाई सभी के? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. क्या हाल सभी के? ऑसम. चलो बढ़िया, चकाचक, सब बढ़िया. चलो ओके, अच्छी बात है. चलिए फिर ओके, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से. सो आई होप कल का क्लास सभी ने अटेंड किया होगा, चाहे वो यहाँ पर हो या यूट्यूब पे हो. और मैंने आपको ये चीज़ क्या कहें ऑलरेडी बता दी थी कि किस तरीके से अब हम लोग 70वीं की तैयारी करेंगे, है ना. तो आज अब हम लोग, अब आप सब कोशिश करिए ये कि साइंस वर्ड ज़्यादा नहीं यूज़ करके साइंस एंड टेक वर्ड यूज़ करें, है ना. क्योंकि अब जब एग्ज़ाम का वही डिमांड है तो हम लोग भी अब अपने आप को उसी डिमांड के हिसाब से ढाल लेते हैं, ठीक है. साइंस हम लोग बहुत पढ़ लिए, कुछ दिन अब टेक पढ़ते हैं, ठीक है. कुछ दिन टेक पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हम साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, आपको साइंस पढ़ाएंगे. अभी फिलहाल ज़्यादा फोकस टेक पर रखते हैं बिकॉज जो अभी हाल फिलहाल की डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है. ओके चलो ओके, शुरू कर रहे हैं. क्या पढ़े, कैसे पढ़े, अगले ईयर फिर से चेंज हो जाएगा. अब वो तो अपने बस में नहीं है रोली, है ना. वो तो अपने बस में नहीं है कि पैटर्न क्या है क्या नहीं है. अपने बस में जो है वो है ढलते हुए, चेंज करते हुए पैटर्न के हिसाब से खुद को ढाल लेना. तो वो किया जाए, है ना, वो किया जाए, राइट. अब वो हमें लगता है कि अगर अगले साल आपसे एनसीईआरटी पूछेगा तो उसमें हम लोग कर ही लेंगे, नहीं, ठीक है. तो जो कमी है उसको ठीक किया जाए. बाकी साइंस हम लोग बहुत हद तक कर चुके हैं, उसको धीरे धीरे पॉलिश करना है. टेक हम लोगों को बिल्कुल बेस से और बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है. चलो ओके चलो. सो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं. आज की क्लास हम क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं. और आज आपको हम बीपीएससी का ही जो इस बार एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको आज हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं टेक का, ठीक है. जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स में, अगर आप लोग बहुत क्लोजली करंट अफेयर्स फॉलो करते होंगे, ठीक है, तो जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स में इस टॉपिक का जिक्र किया गया था. टॉपिक का नाम क्या था? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है. डरना नहीं है टॉपिक से, हम बहुत आराम आराम से आपको समझाते चलेंगे. NTD, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज. सौम्या, तब से हम एक ही बात कह रहे हैं कि साइंस एंड टेक पढ़ेंगे, फिर आप पूछ रहे मैम इसमें आप टेक पढ़ाइएगा. अब और किस लैंग्वेज में समझाएं, तब से तो यही बात कर रहे हैं, ठीक है. कल से यही बात बोल रहे हैं सौम्या, और कल से आप एक ही बात पूछ रहे हो, टेक ही पढ़ाएंगे अभी, ठीक है. ओके, साइंस टेक एक ही बात है, प्लीज कीप दिस इन माइंड. अगर आप एस्पिरेंट हैं बीपीएससी के तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि टेक ही पढ़ेंगे हम लोग अभी, ठीक है. ओके, और अभी ये साफ साफ बड़े शब्दों में एग्जैक्टली लिखा हुआ है, 70th बीपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब कुछ लोग हैं जो हमसे पूछते हैं, मैम अब आप आज से आप यही पढ़ाइएगा क्या? तो अगर हम तुम लोगों से ये पूछें कि आज से तुम लोग रोज 5 घंटे पढ़ोगे तो क्या बोलोगे? मैम हाँ आज तो पढ़ेंगे, आगे का नहीं पता, है ना. तो अब देखो ऐसा कुछ ये तो नहीं होता है ना, ठीक है. ऐसा कुछ ये तो नहीं होता है कि हम लिख के दे दे कि आज से सिर्फ यही पढ़ाएंगे और कुछ नहीं पढ़ाएंगे. अब स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ते चले. तुम लोग इतने क्वेश्चंस पहले ही रख देते हो कि मैम आज से अब बस यही होगा क्या. आप लोगों को हम पहले ही कल इसलिए हम ओरिएंटेशन के बाद आज ये क्लास शुरू किए कि आप लोगों का जो बेसिक डाउट्स है वो आपके दिमाग में ना आए. कल ही आपको मैंने बताया कि पेड बैच जो मेंस के लिए है वो 12 तारीख से शुरू होगा. स्पेशल पर जो क्लास है वो सभी के लिए फ्री है. यूट्यूब की भी क्लास हम लेंगे. कल आपको सारा डिटेल्स शेड्यूल सब कुछ हम शेयर कर दिए, ठीक है. तो अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो पहले डाउट पूछ लो, उसके बाद हम शुरू करेंगे. नहीं तो फिर बीच बीच में आप लोगों को डाउट्स आते रहेंगे और ये कारवां यहीं तक चलता रहेगा. किसी को कोई डाउट है तो ये बोला, कोई हमसे पूछेगा मैम आज के बाद आप साइंस नहीं पढ़ाइएगा, तो इसका जवाब भी ना है. ऐसा नहीं है कि साइंस नहीं पढ़ाएंगे. अभी फिलहाल हम फोकस साइंस एंड टेक पर रख रहे हैं बिकॉज डिमांड अभी यही है, ठीक है. नेक्स्ट क्लास शो कर रहा होगा, गौरव कैसे नहीं शो करेगा यार, कल की भी क्लास आपकी लगी हुई है और आपकी ऐसे भी क्लास शो हो रही होगी, ठीक है. कंचन क्लास प्लस पे होगी, 12 तारीख से मेंस का बैच है, कल ही बात कर चुके हैं. 12 अक्टूबर से ये बैच नहीं होगा, ये हम कोई बैच नहीं शुरू करा ट्विंकल, ये आपकी स्पेशल फ्री क्लासेस है. अगर 12 तारीख से आपकी जो स्पेशल क्लास होगी वो इस टाइम पे नहीं होगी, दूसरे टाइम पर होगी,
ठीक है, वो इस टाइम पर नहीं होगी, दूसरे टाइम पर होगी, पर ऐसा नहीं है कि स्पेशल क्लास तो हर मंथ ही मेरी होती है, हर समय ही होती है, सारों की होती है तो होगी, ठीक है, ओके। मेन साइंस एंड टेक की तैयारी मोहम्मद हम लोग बात करेंगे बैच में, ठीक है, और कुछ? यस, सब तो कल बताई मैम। ट्विंकल, अभी हम नहीं आपको लिख के दे सकते कि डेली होगा, कितने दिन होगा, ठीक है, क्योंकि मेंस का बैच जब शुरू हो जाता है तो मेंस पढ़ाने के लिए और आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने के लिए हमें भी तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। मेंस पढ़ाना ऐसा नहीं होता है कि हम बस सो के उठ के आके आपको पढ़ा दें, मेंस जब हम आपको पढ़ाते हैं तो हमें भी तैयारी करनी होती है। तो स्पेशल की क्लास बाई फेल रोज होगी या नहीं, ये हम नहीं अभी फिलहाल बोल सकते, बिकॉज मेन्स के लिए हमें भी तैयारी करनी होती है। मेरी अगर तैयारी पड़ जाएगी तो हम करा देंगे, ओके, और डिपेंड करता है, ठीक है। ये स्पेशल वाली क्लास का शेड्यूल आपका मैं अभी फिक्स नहीं दे सकती, ये चीज होगी वो डिपेंड करेगी, ठीक है, ओके, चलो। और कुछ रीजन भी आपको हम बता दें, क्योंकि हमको तैयारी करनी होती है। एमसीक्यू के जगह स्पेशल ले लीजिएगा मैम, जगह ये स्पेशल, ठीक है, ओके, यस, स्टार्ट करें, चलो, ओके ओके, स्टार्ट कर सकते हैं, चलिए, ओके। सो इस बार तुम लोग एक क्वेश्चन देखे होंगे, जिस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स लिखे थे। पहले सवाल में टीनियासिस के बारे लिखा हुआ था, पहले स्टेटमेंट में टीनियासिस के बारे लिखा था, ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट में लिखा था न्यूरोसिस्टिसरोसिस के बारे, न्यूरोसिस्टिसरकोसिस के बारे, ठीक है। देखे थे क्वेश्चन, याद आया सभी को? 69th बीपीएससी में एक सवाल था कि टीनियासिस करने वाले स्पीशीज का तीन नाम, और इसके बाद पूछा गया था आपसे कि न्यूरोसिस्टिसरकोसिस जो बीमारी है वो ब्रेन को अफेक्ट करती है या नहीं, और आपसे पूछा गया था कि बताइए कौन सा सवाल सही है या सही नहीं है, है ना, मतलब कौन सा सवाल सही है ये पूछा गया था, बोथ वन एंड टू इस तरह से आपका एक सवाल दिया गया था, ठीक है। अब इस सवाल का अगर हम आपसे सोर्स बताएं कि सोर्स आपको कहाँ से दिया गया है, ठीक है, तो सोर्स, एग्जैक्ट सोर्स आपको हम बताएं तो जनवरी 2023 का जो करंट अफेयर्स था ना, उसमें ये टॉपिक आया हुआ था, ठीक है, ये टॉपिक न्यूज में था, और टॉपिक, पूरे टॉपिक का नाम क्या था, नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है। किसी चीज को आप नेगलेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है मुझे ये बताओ। हम कहते हैं हम इस चीज को नेगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब नजरअंदाज कर रहे हैं, है ना, नेगलेक्ट मतलब नजरअंदाज कर रहे हैं। ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज में होता है, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज में होता है जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। और डिजीज का मतलब क्या है, बीमारी, डिजीज का मतलब क्या है, बीमारी। तो हुआ क्या था कि हर साल 30 जनवरी को, ठीक है, हम थोड़ा आपको इसका मेन चीजें समझा दे, फिर आते हैं पीपीटी में, सारी बातें वहां से पढ़ेंगे, मेन कॉन्सेप्ट आपको हम समझा दे। 2020 से हर साल 30 जनवरी को एक दिवस मनाना शुरू हुआ, ठीक है, एनटीडी डे, ठीक है, नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, हर साल 30 जनवरी को ये दिन मनाना शुरू हुआ, ठीक है। जरूरत क्या आन पड़ी, बिकॉज एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, ठीक है, WHO के एक संगठन द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें कि बताया गया कि लगभग 16 देशों पे 80% बर्डन है, 80% भार है, जहां पर ऐसी 20 बीमारियां हैं। कितनी बीमारियां हैं, 20 बीमारियां, ऐसी 20 बीमारियां हैं जिस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये नेगलेक्टेड है। अब ये नेगलेक्टेड क्यों है, क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा, बिकॉज आप जानते हो कि टीबी अब किसी को अगर होता भी है तो उतना सीरियस नहीं होता, क्यों, क्योंकि टीबी के लिए पूरे विश्व भर में बहुत सारा काम किया गया और बहुत सारी तरह तरह की ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, है ना। लेकिन ये कुछ ऐसी 20, ध्यान रखना 20 ग्रुप ऑफ डिजीजेस हैं, 20 बीमारियां हैं जिन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है। अधिकतर ये कैसे देशों में होती हैं, कैसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर ज्यादा गरीबी है, जहां पर साफ सफाई नहीं है, ठीक है, जहां पर गरीबी है, साफ सफाई नहीं है, जहां पर आपके बीमारी फैलाने वाले जैसे ये मच्छर हो गया, सैंड फ्लाई हो गई, है ना, ये सब बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो अफ्रीकन कंट्रीज, कुछ एशियन कंट्रीज, इन सब में ये 20 बीमारियां हैं जो क्या है, सीरियस रूप ले लेती हैं, क्योंकि इनके प्रति बहुत, विश्व भर में बहुत ज्यादा कदम नहीं उठाए गए, इसलिए हम इन बीमारियों को क्या कहते हैं, नेगलेक्टेड, इन बीमारियों को क्या कहते हैं, नेगलेक्टेड बीमारियां कहते हैं। इन बीमारियों में आता क्या क्या है, हम लोग कुछ बीमारियां पढ़े थे, अगर आपको याद हो, हम लोग जब डिजीजेस चैप्टर पढ़े थे तो फाइलेरियासिस नाम की एक बीमारी पढ़े थे,
याद है फाइलेरियासिस जो क्यूलेक्स मच्छर फैलाता था, जापानीज एंसेफेलाइटिस पढ़े थे, काला आजार पढ़े थे, है ना, ये सारी बीमारियां एंटिटी है, ठीक है, ये सारी बीमारियां क्या है, एंटिटी। आपसे इस बार जो बीपीएससी पूछा था, टीनियासिस, न्यूरोसिस्टिसरकोसिस, ये सब भी क्या है, ये भी बीमारियां एंटीडी के दायरे में ही आती हैं, ठीक है, ये भी बीमारियां एंटीडी के दायरे में ही आती हैं। ट्रैकोमा एक आंख की बीमारी है, बैक्टीरिया करता है, ट्रैकोमा नाम की बीमारी, ठीक है, वो भी एक एंटीडी ही है, लेकिन भारत ने अब उसको क्या कर दिया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया है, ठीक है। तो पूरा एक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या है ना, हम जो लोग देर से ज्वाइन किए हैं या वापस से, पूरा आपको एक बार हम कॉन्सेप्ट रिपीट करें, फिर एक एक पॉइंट वाइज इसका करके क्लासिफिकेशन और सारी चीजें करके चलते चलेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में हम एकदम एग्जाम वाले पॉइंट्स उठा रहे हैं ताकि आपको उससे ही हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर करते चले चलेंगे, ठीक है, ओके। तो इस बार बीपीएससी में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन में आपसे दो स्टेटमेंट दिए गए थे, पहला स्टेटमेंट था किसके बारे, टीनियासिस के बारे, और दूसरा स्टेटमेंट था न्यूरोसिस्टिसरकोसिस के बारे, ठीक है, ओके। इन बीमारियों पे भी आ रहे हैं, डिटेल में बात करेंगे, अभी थोड़ी सी बात मेरी सुन लीजिए पहले, ठीक है, कि कहा गया था कि कौन सी बात सही है। अब अगर हम सिर्फ कहे तो चलो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ये इसका आंसर है, लेकिन सिर्फ इससे तो काम चलेगा नहीं, आपको उसके पीछे की पृष्ठभूमि, उसके पीछे का बैकग्राउंड भी जानना होगा। तो पीछे का बैकग्राउंड क्या है कि इन बीमारियों को उन्होंने चुना क्यों, एक्चुअली में चुनने को कुछ भी चुन सकते थे, बीमारियों का तो कोई अंत है नहीं, ठीक है। तो जनवरी 2023 में ये खबर चर्चा में थी, ठीक है, खबर चर्चा में थी क्योंकि इंपॉर्टेंटली हुआ क्या था कि WHO की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, ठीक है, WHO की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, और उस रिपोर्ट के हिसाब से कुल 20 बीमारियों का यह समूह है जिसको क्या कहा जाता है, NTD, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है। नेग्लेक्टेड क्यों, क्योंकि विश्व भर में बहुत ज्यादा कदम नहीं उठाए जा रहे हैं इन बीमारियों के लिए। ट्रॉपिकल क्यों, क्योंकि मेनली जो कंट्रीज जिनमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है या ट्रॉपिकल कंट्रीज जो होती हैं उनमें ये बीमारियां देखी गई हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ज्यादा आर्द्रता होती है, मॉइस्चर ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है, और इन सब के वजह से मच्छर मक्खी ये सब ज्यादा पनपते हैं, जो वेक्टर्स हैं, जो रोग वाहक हैं, ये ज्यादा पनपते हैं। इसलिए ज्यादा जरूरत है कि इन देशों में साफ सफाई अच्छे से रहे, है ना, साफ पानी, साफ हवा, ये सब रहना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मोस्टली ये बीमारियां कहाँ देखी जाती हैं, आपका अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, या वो कंट्रीज जहां पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, जहां पे साफ सफाई नहीं है, जहां पे लोगों के पास जागरूकता नहीं है, वहां पर ये बीमारियां देखी जाती हैं। कुल 20 बीमारियों का ये क्या है, समूह, ठीक है, ओके। हर साल 30 जनवरी को, ध्यान रखना, हर साल 30 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। हमने मनाना कब से शुरू किया, 2020 से इसको मनाना शुरू किया, ठीक है, ओके, ये इसका पूरा बैकग्राउंड है। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, अब इसको डिटेल में पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको देखो दो फायदे होंगे इससे, ठीक है, इसका एक दो हम अभी क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको, इस तरह से टॉपिक्स पढ़ने के दो फायदे होंगे, ठीक है। एक तो है कि इन टॉपिक्स में आपको इजी लगेगा, मजा आएगा पढ़ने में, बिकॉज आपको पता है कि जब आप डिजीजेस के बारे पढ़ते हैं तो ऐसी चीज है कि आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, है ना। अब यही आपको हम स्पेस टेक्नोलॉजी बताएं तो मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन आप बहुत सारी चीजें आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है वो ऐसे उड़ा, रॉकेट ऐसे गया, मिसाइल ऐसे गया, है ना। लेकिन बीमारियां ऐसी चीजें हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने बॉडी से रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम ये वाला टॉपिक चुने, राइट। तो पढ़ना है, टॉपिक को पढ़ना है, उसका बैकग्राउंड पढ़ना है, और जिस तरीके से हम आपको पीपीटी देंगे उस पीपीटी को अपने पास डाउनलोड करके रखिएगा। कारण क्या है कि अगर आपको मेंस में इन चीजों पर आंसर राइटिंग आ जाता है, क्योंकि ये सब सोशल इश्यूज के अंडर भी आते हैं, है ना, अगर मेंस में आपको आंसर राइटिंग आ जाता है तो भी आप इनके बारे में चीजें आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। इसी वजह से हम आपका मतलब समझाने के साथ साथ आपसे पीपीटी भी शेयर कर रहे हैं ताकि आप उस पीपीटी को अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। फिर से हम बता रहे हैं, 70वीं की तैयारी ऐसी करनी है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों इकट्ठे, मतलब कॉन्सेप्ट समझना है, MCQ समझना है, कहीं ना कहीं उसके पॉइंट्स आपको इतने समझ के लिखने हैं, रखने हैं, अगर मेंस में आपको आंसर आ जाए तो आप उसको कम से कम अच्छे तरीके से लिख पाए, ठीक है, ओके, चलो ठीक है जी, शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई,
बुक कोई आती नहीं है साइंस टेक की पार्थ एज सच, रवि अग्रही सर की बुक आती है वो आप देख लीजिए, एज सच कोई एनसीईआरटी की किताब नहीं आती जिसमें आपको साइंस एंड टेक लाइन बाय लाइन लिखी रहेगी, ठीक है। रवि अग्रही सर की बुक आती है, वो बुक यूपीएससी के लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है, अगर आप उस बुक को समझ सकते हैं तो आप देख लीजिए, ठीक है। ओके, बुक के बारे हम वही आपको बताएंगे कि रवि अग्रही सर की बुक है, ठीक है। ओके, हिंदी मीडियम से है तो क्या करें, अब सर की बुक तो इंग्लिश में ही आती है, सर की बुक तो इंग्लिश में ही आती है, ठीक है। ओके, अदरवाइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो हमें कहते हैं कि एक नेशनल लेवल पे एक जो किताब होती है वो एज सच जानकारी में हमारे नहीं है, है ना, कि जो शुद्ध हिंदी में आती हो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और जिसका मतलब लोग जिसको रेकमेंड करते हैं, ठीक है, लोग जिसको रेकमेंड करते हैं, रवि अग्रही सर हैं जिन्होंने बहुत लाइक काम किया हुआ है साइंस एंड टेक में, आईआईटी दिल्ली के उन्होंने बहुत सारा उनका एक्सपीरियंस है, तो उनकी बुक आप पढ़ते हैं तो फिर भी वो चीज़ क्या है वो रिकमेंडेड है, ठीक है। ओके चलो, ओके शुरू कर सकते हैं हम लोग, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। चलो ओके, पहले ही आपको हम बता चुके हैं, पहले ही आपको हम बता चुके हैं, यस सिंपल लैंग्वेज में एग्जैक्टली, वो बहुत सारी चीज़ें ना विकिपीडिया और इसमें भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो वो बुक आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, पहले आपको हम बता चुके हैं टोटल कितनी बीमारियों का समूह है, 20 बीमारियों का ये समूह है, 20 कंडीशंस। कहाँ पर ज़्यादा देखी जाती है, अब देखो पीपीटी में जो चीज़ें हैं वो आप अपने पास लिख के रखिए, मेंस की आंसर राइटिंग में आप चाहते हैं कि आपको नंबर मिले, ठीक है, और नंबर मिले इससे। अब तुम एक बात बताओ, हम तुमको सारी चीजें लैंग्वेज में समझा दी, तुम सारा पॉइंट्स में दिमाग में नोट डाउन कर लिए, अब इसके बाद आप किताबी लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने पीपीटी भी आपसे शेयर कर दी है, आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। आप हमेशा कोशिश करिए कि चीजों को आप समझे और अपने वर्ड्स में लिखें, क्योंकि अगर कोशिश करोगे ना कि नहीं हम मैम इसी नोट्स को रट लेते हैं और इन्हीं नोट्स को रट के जाके एग्जाम में लिख लेते हैं, तो आप एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाएंगे। अगर आपको अपने लैंग्वेज में चीजें लिखनी आती हैं तो ही आप आंसर राइटिंग अच्छा कर पाएंगे, इसलिए कोशिश करो, इसको रखो अपने पास रेफरेंस के तौर पे, ठीक है, इसको अपने पास आप रेफरेंस के तौर पे रखो, क्योंकि ये सारा डेटा WHO के उससे लिया गया है, तो कोई भी डेटा बनाया हुआ नहीं है, सारे WHO के वेबसाइट से लिया गया ऑथेंटिक डेटा है, ठीक है, आप इसको अपने पास रख सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि जब भी आप कुछ भी चीज लिखते हैं या लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो उसको आप अपने लैंग्वेज में करना, तभी आप एग्जाम में उसको लिख पाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मैम अभी हम रट लिए, हमको बहुत अच्छे से एक लाइन रटा गया और हम उसको ऐसे लिख लेंगे, तो आप एग्जाम में पछताएंगे, इसलिए बेटर है आप उसको अपने लैंग्वेज में अभी से चीजें लिखना शुरू करिए, ठीक है। ओके, सो NTD क्या है भाई, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। नेग्लेक्टेड वर्ड क्यों, क्योंकि बहुत सारा ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी है ना, मतलब विश्व भर में जो पॉलिसीज बनती है किसके लिए, स्वास्थ्य संबंधित, वो इन बीमारियों को कवर नहीं करती, इन बीमारियों को क्या करती, कवर नहीं करती। ट्रॉपिकल कंट्री क्यों, बिकॉज ट्रॉपिकल कंट्रीज ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ज्यादा ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, और बीमारियां फैलाने वाले जो कारक हैं जैसे मच्छर हो गए, मक्खी हो गई, वो ज्यादा पनपते हैं, इसलिए जरूरत है इन जगहों में साफ सफाई बरतने की, ठीक है, साफ सफाई बरतने की, ठीक है। कहाँ पर देखे जाते हैं ये बीमारी, जहां पे लोगों को एक्सेस नहीं होता है क्लीन वाटर और सेफ वेस्ट टू डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, ठीक है, जहां पर लोगों को साफ पानी, मानव अवशिष्ट निपटान के लिए सुरक्षित तरीके नहीं पता होते, उस देशों में ये ज्यादा फैलती है, ठीक है, जैसे कि एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, है ना, इन सब की मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, मतलब ऐसी कम्युनिटी जिनके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं है, आप कह सकते हो जो भी पुअर कम्युनिटीज होती है, ठीक है, मेन बात समझ में आ गई। ओके, न्यूज में ये क्यों था न्यूज में, आपको हम बताएं, जनवरी 2023 में ही WHO ने एक ग्लोबल रिपोर्ट जारी की थी, ठीक है, एक ग्लोबल रिपोर्ट क्या की थी, जारी की थी, और इस रिपोर्ट के हिसाब से क्या था, मेन पॉइंट्स क्या थे कि 16 देशों में 80% बर्डन है, मतलब जितनी भी एंटिटीज हैं, जो 20 एंटिटीज हैं, इनका 80% भार सिर्फ और सिर्फ 16 देशों में, ठीक है, मुख्य बिंदु ध्यान रखना है, कि एक पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है, लिख रहा है कि हर साल 1.65 बिलियन लोगों को कम से कम एंटिटी होती है, एंटिटी के लिए दवाई की आवश्यकता पड़ती है। खुद देखो, कोविड हुआ होगा तो क्या लगता है, एंटिटी ज्यादा फैला होगा या आराम से कंट्रोल हुआ होगा, बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, हर चीज रटने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें कॉमन सेंस से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कोविड फैला था तो उस वक्त बेसिक हेल्थ फैसिलिटी बिल्कुल चरमरा गई थी, बिकॉज सब अपने घर में थे, क्वारंटाइन थे, लोगों को लगता था कि इससे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो उस समय मेन फोकस कोविड था। आपको लगता है कि उस समय एंटिटी पर ध्यान दिया गया होगा,
अगर आप खुद डॉक्टर हैं, आपके पास दो मरीज आए हैं, एक मरीज फाइलेरिया पीड़ित है, एक मरीज कोविड पीड़ित है, तो आप क्या करेंगे? कॉमन सेंस क्या कहता है कि भाई पहले कोविड वाले को देखो, है ना, क्योंकि उस वक्त इतना हाहाकार मचा था। तो वही बात इस रिपोर्ट में भी थी कि कोविड के वजह से 34% कम व्यक्तियों को एनटीडी का इलाज मिला। कॉमन सेंस की बात, कोई भी बहुत बड़ी बात रिपोर्ट में नहीं कही गई, है ना। रिपोर्ट में दो से तीन मुख्य बातें कही गई कि 16 देशों में 80% भार है किन बीमारियों का, एनटीडी बीमारियों का, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 34 कोविड के दौरान जो है इलाज कम मिला गया, एनटीडी ज्यादा फैला 34%। अगर डेटा याद रहता है तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप ये सिंपल बात लिख सकते हैं कि कोविड के दौरान चूंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल चरमराई हुई थी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो थी वो डिसरप्टेड थी, इस वजह से लोगों को एनटीडी के लिए जो ट्रीटमेंट मिला वो बहुत कम मिला। इनफैक्ट अगर आप कभी भी एनटीडी का आंसर लिखते हैं, चैलेंजेस अगर आपसे पूछा जाता है, चुनौतियां आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आपको एक ऐसे देश में, ऐसे क्षेत्र में भेज दिया गया जहां पर एनटीडी बहुत ज्यादा है, ठीक है, ओके, जहां पर एनटीडी जो है बहुत ज्यादा है और कोविड का समय है, तो आप इस चीज को कैसे डील करेंगे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछ दिए जाते हैं, इमेजिन करके कि भाई आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरव्यूज आप यूट्यूब वगैरह पे देखते रहते हैं, है ना। तो इस तरह से आपसे उनसे आपसे वो सिचुएशन देते हैं कि ठीक है, आप एक ऑफिसर हैं, आपको एक ऐसे क्षेत्र में भेजा गया जहां पर एनटीडीज बहुत ज्यादा है, उस वक्त आपकी आपकी क्या ये होगी, थाली बजा के, मोदी जी के हम भक्त हैं, नहीं थाली बजा के कहेंगे, ठीक है, ओके। सो कहते ना हमारे भाई प्रधानमंत्री ने कहा है कि थाली बजाओ, तो हम वही कर रहे हैं, चलिए, ठीक है, ओके। सो ये रिपोर्ट के क्या है मुख्य निष्कर्ष निकाले गए, ठीक है, चलिए, ओके। 30 जनवरी हम आपको बता ही दिए कि हर साल 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, एनटीडी मनाया जाता है, ठीक है, ओके, चलिए, ओके। अब आ जाओ इस क्लासिफिकेशन में 2020 से शुरू हुआ, बिल्कुल, अब आ जाओ इस क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन कहीं पर भी हिंदी में उपलब्ध नहीं थी, तो इंग्लिश में ही आपके सामने है ये, ठीक है, कहीं पर भी ये हिंदी में नहीं था कि भाई शुद्ध हिंदी में इन सब के नाम, तो अब एक एक का नाम आपको याद रखना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको याद होगा जब हम लोग ह्यूमन डिजीजेस पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि डिजीजेस जीवाणु से हो सकती है, डिजीजेस वायरस से हो सकती है, फंगस से हो सकती है, कृमि संबंधित रोग है, कृमि संबंधित जो रोग है उसको हम क्या कहते थे, हेलमिंथिक डिजीज कहते थे, है ना, ठीक है, यस, प्रोटोजोआ से हो सकती थी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से इनको क्या कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है। बैक्टीरियल में क्या क्या लिखा है इन्होंने, बैक्टीरियल में इन्होंने लिखा है लेप्रसी, ठीक है, मतलब लेप्रसी यानी कुष्ठ रोग को भी इन्होंने कहीं ना कहीं एनटीडी लिखा है, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे, सबके बारे डिटेल जाना जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत ध्यान रखोगे ताकि आपको बेसिक अगर सवाल पूछे जाए तो आपको आता। एक अल्सर कहलाता है जिसका नाम है बुरुली अल्सर, ठीक है। अब तुम में से बहुत लोगों को लगेगा बाप रे मैम इतने मुश्किल नाम है क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग में रखने की शुरुआत कर लो, बिकॉज पेपर आप सबके सामने है, है ना। कोई तुम में से ये तो अब नहीं कहेगा कि मैं ही नहीं मैम इतना पढ़ने का जरूरत नहीं, ठीक है। बुरुली अल्सर एक तरीके का अल्सर है जो हड्डी तक खा जाता है। अल्सर शब्द का मतलब क्या है, कभी भी अल्सर शब्द सुनो ना, तो अल्सर का मतलब होता है एक घाव, और एक ऐसा घाव जो काफी ज्यादा डीप जाता है, ठीक है। अब घाव हम लोग को होता है तो कहाँ पे होता है, ऊपर की तरफ होता है। बुरुली अल्सर इतना भयानक अल्सर है, ठीक है, बुरुली अल्सर इतना भयानक अल्सर है, बैक्टीरिया से होता है, और वो अल्सर पहले आपकी स्किन को खोखला करता है, स्किन को खोखला करने के साथ मांस को भी खोखला कर सकता है। तस्वीर है मेरे पास, विचलित मत हो जाना, अल्सर जरूरी नहीं है सिर्फ स्टमक में हो, अल्सर कहीं भी हो सकता है, माउथ में भी अल्सर होता है, ठीक है, माउथ में भी। ये देखो ये है बुरुली अल्सर, ठीक है, नहीं भाई कैंसर का स्मॉल रूप नहीं, ये देख रहे हो ये है बुरुली अल्सर, ठीक है, ये है बुरुली अल्सर, ठीक है। बैक्टीरिया के वजह से होती है, माइकोबैक्टीरियम, वही बैक्टीरिया जो टीबी करता था, वही बैक्टीरिया जो लेप्रसी करता था, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। तो आपकी त्वचा को, हड्डी को सब क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है, ये क्या है, बुरुली अल्सर, ठीक है, राइट। तो लेप्रसी हो गया, बुरुली अल्सर, ट्रैकोमा, ट्रैकोमा एक आंख की बीमारी है, ठीक है, यूज सिफिलिस का ही एक रूप है, यूज सॉरी, ठीक है, ये क्या है, ये सिफिलिस का ही क्या है, रूप है, ठीक,
ओके, वायरस से होने वाली कौन है? रेबीज, डेंगू, चिकनगुनिया, ये तो अपन जानते हैं, है ना? रेबीज भी हम लोगों को पता है, हम लोगों को डेंगू भी पता है, हम लोगों को चिकनगुनिया भी पता है. आप में से कहेंगे नहीं मैम नहीं पता है, तो जाके फिर फाउंडेशन क्लास करिए, ठीक है? चिकनगुनिया, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं. फंगस पे आ जाओ, फंगस में माइसीटोमा, ठीक है, माइसीटोमा, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, परेशान मत हो, डीप माइकोसिस. देखो माइकोसिस शब्द का मतलब क्या, क्या आपको याद है कि हम फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी कहते थे? क्या हम फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी कहते थे? बिल्कुल, माइकोलॉजी से ही शब्द आया माइकोसिस. मतलब कहने का मतलब है कि जब फंगस हम लोग के स्किन को इतनी बुरी तरह से प्रभावित करते, ठीक है, तो बाहर की स्किन, मुंह के अंदर का, ठीक है, चाहे वो टंग हो या आपके मुंह के अंदर की चीक वगैरह हो, सबको बुरी तरह से प्रभावित करते, तो इन जनरल एक टर्म कहा जाता है माइकोसिस, इतना ध्यान रखना बस, ठीक है. हेलमिंथिक में देख रहे हो टीनियासिस, सिस्टिसर्कोसिस, नजर पड़ी इस पर? नजर पड़ी इस बार बीपीएससी का सवाल, 69th बीपीएससी का सवाल नजर पड़ी इस पर? हेलमिंथ से होने वाला कृमि संबंधित, यहीं से सवाल उठाया था, ठीक है, सवाल यहीं से उठा हुआ था, ठीक, ओके. तो हो सकता है कि इस बार इनको नहीं देकर कुछ और दे सकता था वो, ठीक है. सो टीनियासिस, सिस्टिसर्कोसिस, ये सब हेलमिंथ हैं, यानी कृमि संबंधित हैं, बात करेंगे इनके बारे में, ठीक है, ओके. इतना डीप, यस, ऐसे पूछा था, ऐसे पूछा था आपसे, राइट. फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस पढ़ चुके हैं क्या हम लोग? फाइलेरियासिस पढ़ चुके हैं क्या? क्या पढ़े थे फाइलेरियासिस? हाथी पाव रोग, एलिफेंटियासिस, ठीक है. गिनी वर्म डिजीज, अब इंडिया ने इसको खत्म कर दिया है, इंडिया ने इसको क्या कर दिया है, ये एक एंटिटी है जो इंडिया में अब खत्म हो चुकी है, ठीक है. गिनी वर्म डिजीज, इसमें आपको पता है घाव के अंदर से निकलता है वर्म, ठीक है, जो वर्म होता है ना वो घाव के अंदर से ऐसे बाहर निकलता है और उसको धागा खींच के निकाला जाता है. अभी सब फोटो दिखा रहे हैं एक एक करके, ठीक है. गिनी वर्म डिजीज, ट्रैकोमा, ये सब सब अब खत्म हो चुका है, ठीक है, ओके. एंडोपैरासाइट, सॉरी एक्टोपैरासाइट, मतलब जो पैरासाइट हमारे शरीर के ऊपर होते हैं, जैसे स्केबीज, स्केबीज में आपको खुजली हो जाती है और बिल्कुल स्किन पर चकता चकता हो जाता है. स्नेक बाइट एंड वर्मिंग, आपको पता है कुछ सांप होते हैं, स्नेक बाइट मतलब जब आपको सांप काट ले, ठीक है, कुछ ऐसे सांप होते हैं जो जहर थूकते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है, ओके. वो क्या करते हैं, अपने मुंह से जहर बाहर निकालते हैं, ओके, और उनके जो मुंह से जहर निकला है वो जहर इंसान को प्रभावित कर सकता है, ठीक है. तो स्नेक बाइट भी एक्चुअली एंटिटी है, ठीक है, स्नेक बाइट भी एक्चुअली क्या है, एंटिटी है, ठीक है. प्रोटोजोआ में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, लीशमेनियासिस पढ़ चुके हैं, लीशमेनियासिस या काला आजार उसी को कहते थे, स्लीपिंग सिकनेस पढ़ चुके हैं, ठीक है, शागास डिजीज पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं, नया नाम है आपके सामने शागास डिजीज, ठीक है, शागास डिजीज एक नया नाम है, ठीक है, ओके. तो ये एक क्या है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन है आपकी एंटिटी का, ठीक है, ये क्या है आपकी एंटिटी का एक क्लासिफिकेशन है. पूरा क्लासिफिकेशन अगर मैम याद कैसे होगा, कैसे याद होगा, तो आपको सिर्फ डिजीज वाला बेस याद रखना है, ठीक है. एंटिटी का क्लासिफिकेशन जरा एक बार मेरे साथ लिखो, तो एंटिटी का क्लासिफिकेशन हम क्या क्या पढ़े थे, जैसे हम डिजीज में पढ़े थे कि डिजीज बैक्टीरिया से हो सकती है, तो एंटिटी भी बैक्टीरिया से हो सकता है. बैक्टीरियल यानी जीवाणु संबंधित कौन कौन सा है, कौन कौन सा है भाई, बताओ, नाम बताओ. एक लेप्रसी है जिसको हम लोग कुष्ठ रोग कहते हैं, ठीक है, ओके. एक ट्रैकोमा है, आंख की बीमारी, ठीक है. एक यॉज है, सिफिलिस की तरह, ठीक है, सिफिलिस की तरह यॉज है. ध्यान रखना ये दोनों इंडिया ने इरेडिकेट कर दिया है, यानी कि इंडिया ने खत्म कर दिया है इन दोनों को, ठीक है, ओके. और एक भयानक अल्सर है, बुरुली अल्सर, ठीक है, बुरुली अल्सर, ठीक, ओके. इसके बाद वायरल पे आ रहे हैं, वायरल तो अपना पढ़ा हुआ है, अपना वही रेबीज, ठीक है, अपना डेंगू, और अपना चिकनगुनिया, ठीक है, अपना चिकनगुनिया, ठीक, ओके. फंगल पे आ जाओ, फंगल, माइकोसिस, सिर्फ इसमें एक बात याद रखो, माइकोसिस, माइकोलॉजी से माइकोलोसिस, ठीक है, माइकोलॉजी से माइकोसिस, ठीक है. और बताओ और क्या पढ़े, हेलमिंथ, हेलमिंथ यानी कि
कृमि संबंधित, हेलमिंथिक यानी कि कृमि संबंधित, ठीक है। तो कृमि संबंधित में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं हाथी पाव रोग या फाइलेरियासिस, ठीक है। आपको पता है इंडिया में अभी मुहिम चली है कि 2027 तक हम लोग फाइलेरियासिस क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। बहुत सारी दवाइयां आई हैं इसके लिए, ओके। एक मल्टी ड्रग रेजीम चल रही है जिससे इंडिया का लक्ष्य है कि 2027 तक फाइलेरिया क्या हो जाएगा, हम लोग खत्म करेंगे। फाइलेरिया कैसे फैलता था, क्यूलेक्स मच्छर से फैलता था, हाथी पाव रोग इसी को कहते थे, ठीक है, हाथी पाव रोग। और कौन सी बीमारी है इस बार बीमारी कौन सी बीमारी, टीनियासिस, ठीक है, ओके। टीनियासिस क्या होता है पता है, थोड़ा सा एनिमल किंगडम याद करो। एनिमल किंगडम में हम लोग एक फाइलम पढ़े थे, फ्लैटवर्म वाला फाइलम पढ़े थे, प्लैटीहेलमिंथस पढ़े थे, उसमें एक एग्जांपल टेपवर्म पढ़े थे। टेपवर्म तो बोलचाल की भाषा है, टेपवर्म का साइंटिफिक नेम क्या है, टीनिया सोलियम, ठीक है। ये टेपवर्म पता है कहाँ पर रहता है, जैसे मान लो तुमको इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, मान लो तुम्हारे इंटेस्टाइन में टेपवर्म का इन्फेक्शन। आपको शायद मैंने बताया भी था कि जब भी बीमारी होती है तो पॉटी में इसके अंडे निकलते हैं, बताया था आपको जब हम क्लास में पढ़ा रहे थे, है ना, टीनिया सोलियम के बारे, कि जब इन्फेक्शन होता है तो पॉटी में इसके छोटे छोटे अंडे निकलते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग खुले में शौच जाते हैं, ठीक है, या बहुत बार क्या किया जाता है, आपको हम बहुत फ्रेंकली बता रहे हैं, बहुत जगह पे खेत वगैरह में जो लोग पानी डालते हैं ना, वो सीवेज वाटर डाल दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि जो पानी डाला जाता है वो कहीं ना कहीं सीवेज वाटर डाल दिया जाता है, या सीवेज वाटर का ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता, ठीक है। अब मान लो तुमको इन्फेक्शन हुआ, तुम्हारे पॉटी में ये टीनिया निकला, ठीक है, सीवेज वाटर में तो पॉटी वाला भी पानी होता है, उसको ठीक से ट्रीट नहीं किया गया और उसी पानी को खेत में दे दिया गया, वहां पर जो सब्जी उगी, सोच के बताओ, वहां पर जो सब्जी उगी, आपको नहीं लगता कि उसमें भी ये वाला इन्फेक्शन जाएगा, ठीक है, हाँ, उस सब्जी को तुम खा लोगे तो क्या होगा, तुम्हारे शरीर में आ सकता है, ठीक है। या मान लो जो लोग खुले में शौच जाते हैं, सुअर की आदत होती है ना कुछ भी खा लेने की, लोग खुले में शौच गए और खुले में शौच जाने के बाद क्या हुआ, सुअर ने कहीं ना कहीं उसको खा लिया, ठीक है, सुअर के शरीर में ये इन्फेक्शन चला गया। कुछ लोग कच्चा सुअर का मांस खाते हैं, बहुत सारे देशों में लोग कच्चा सुअर का मांस खाते हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले न्यूज में ये था भी कि एक इंसान के शरीर से बहुत लंबा टेपवर्म निकाला गया था, ठीक है, एक बहुत लंबा टेपवर्म निकाला गया था, उसकी हिस्ट्री पूछी गई तो उस इंसान ने कबूला कि वो 40 साल से कच्चे सुअर का मांस खा रहा था, ठीक है, 40 साल से कच्चे सुअर का मांस खा रहा था और एक लंबा सा टेपवर्म निकला था उसके, उससे मुझे अभी मेजरमेंट याद नहीं है पर वो काफी न्यूज में था, एक बहुत लंबा सा टेपवर्म निकला था, ठीक है। तो ये टीनिया सोलियम अधिकतर, इसको ना हम पॉर्क वर्म कहते हैं, पॉर्क समझते हो, पॉर्क मतलब सुअर का मांस, ठीक है, जो लोग सुअर का मांस खाते हैं, जो अनकुक्ड खाते हैं, ठीक से पकाते नहीं है उसको, तभी कहते हैं कि आप कुछ भी नॉनवेज खाओ उसको हमेशा ठीक से पका के खाना चाहिए। हम लोग सब्जी खाते हैं, गाजर लाते हैं, तो हमेशा कहते हैं कि उसके ऊपर वाले छिलके को अच्छे से छील देना चाहिए, जैसे घर में देखते हो ना मम्मी छीलती है कोई भी सब्जी, अगर परवल भी बना रही होती तो ऊपर से उसको छील देती है, अच्छे से धो के साफ करती है, तो वो क्यों किया जाता है, इन बीमारियों से बचने के लिए, ठीक है, ओके। तो टीनिया सोलियम पोर्कवर्म कहते हैं इसको, ठीक है, ओके। टीनिया सैजिनेटा, ठीक है, बीफ वर्म कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बीफ वर्म। कुछ लोग गाय का भी मांस खाते हैं, ठीक है, हमारे तो धर्म में कहा जाता है गौ माता, ठीक है, बट कुछ जगह में क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, गाय का मांस भी खाते हैं, ठीक है। अब मान लो गाय के शरीर में ये इन्फेक्शन है, ठीक है, और जो भी गाय का मांस खाएगा उसके शरीर में इन्फेक्शन जा सकता है, ठीक है, ओके। तो टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा, टीनिया एशियाटिका, ठीक है, टीनिया एशियाटिका, यही तीन नाम थे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, टीनियासिस करते हैं। क्या सिम्टम्स होंगे इसके, अजीब बात है कि शुरुआती में इस बीमारी के कोई सिम्टम नहीं होते, कोई लक्षण नहीं होते, ठीक है, कोई लक्षण नहीं होते, ओके। कुछ दिनों के बाद जब ये अंडे देना शुरू कर देता है आपके इंटेस्टाइन में, जब ये रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है, तब आपको पेट में डिस्कम्फर्ट होता है, दर्द होता है, ठीक है, और कई बार पॉटी से
पॉटी से ये क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। इसीलिए जो पर्सन है जिसको ये बीमारी होती है, उसकी फीशीज यानी उसका जो मल होता है वो क्या है, एक बहुत बड़ा सोर्स है इन्फेक्शन होने का। ठीक है, एक बहुत बड़ा सोर्स है इन्फेक्शन होने का। ठीक है, ओके। इसी से रिलेटेड बीमारी एक और लिखी थी, सिस्टी सिस्टी सरकोसिस। यही पूछा था, सरकोसिस यही पूछा था। ठीक है, अब होगा क्या, मेरी बात सुनो। हमेशा सब्जी, स्पेशली जो गोभी होती है ना, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इन सबको अच्छे से धो के खाना चाहिए, क्योंकि कई बार ये सब्जी उगाने के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो पानी कॉन्टेमिनेटेड होता है, यानी कि उसमें ये टीनिया वगैरह मौजूद होता है। अगर ये आपके शरीर में आ गया और आपके ब्रेन में पहुंच गया तो क्या करता है, ये आपके ब्रेन में मल्टीप्लाई कर सकता है। आपको पता है टीनिया सोलियम विश्व भर में लगभग 70% एपिलेप्सी केसेस के लिए जिम्मेदार है। एपिलेप्सी समझते हो, मिर्गी का दौरा जो हम कहते हैं। ठीक है, 70% 30-70% एपिलेप्सी यानी मिर्गी के लिए ये जिम्मेदार है। ठीक है, तो यही टीनिया सोलियम अगर ब्लड के द्वारा अगर आपके ब्रेन में पहुंच गया, ठीक है, आपके ब्रेन में पहुंच गया तो क्या होगा, ब्रेन में पहुंच गया तो क्या होगा, ब्रेन में आपके अंडे देगा, ठीक है, और इन्फेक्शन कर सकता है, एपिलेप्सी वगैरह कर सकता है। यही आपसे सवाल पूछा था। ठीक है, आपके एग्जाम में इन्होंने अच्छा किया था, एक शब्द लगा दिया था न्यूरोसिस्टी सरकोसिस, और लिखा था कि न्यूरोसिस्टी सरकोसिस ब्रेन को प्रभावित करता है। अगर आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया होता कि मैम बताई थी न्यूरो का मतलब ब्रेन है, तो आप आंसर कर सकते थे। आई थिंक आप लोगों ने आंसर किया भी है उस क्वेश्चन को, अधिकतर लोगों ने कहा हाँ मैम हमने सही आंसर किया। ठीक है, तो सोर्स तुम लोग देख रहे हो, जनवरी 2023 को एनटीडी की रिपोर्ट आई और कहीं ना कहीं उससे उठा के इन्होंने ये सारे सवाल डाल दिए। ठीक है, ये सारे सवाल जो है इन्होंने डाल दिए। ठीक है, ओके, सो ये आपके क्या हो गए, कुछ हेलमिंथिक डिजीजेस हो गए। ठीक है, ये वाले, ओके, ये आपके हेलमिंथिक डिजीज है। एंसिफिलाइटिस, जापानीज एंसिफिलाइटिस मोस्टली आपका वायरल में आ जाता है। ठीक है, मोस्टली आपका किस में हो जाता है, वायरल में। बहुत लोग तुक्का लगाए थे जेनी, और बहुत लोगों का तुक्का जो था वो लग भी गया था। बहुत लोगों का तुक्का जो है लग भी गया था। चलो और बताओ, यहाँ पे तो जगह नहीं बची, चलो इधर लिखते हैं। प्रोटोजोअन डिजीज, प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन सी बीमारियां हैं भाई, काला आजार हम लोग पढ़ चुके हैं, काला आजार पढ़ चुके हैं, और क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, नहीं एनटीडी, एनटीडी बताना है हिमांशु, एनटीडी बताना है, एनटीडी बताना है। डेंगू कौन करता है, प्रोटोजोआ करता है, प्रीति हाँ डेंगू वायरस करता है। अरे काला आजार के बाद मलेरिया एनटीडी है, मलेरिया मलेरिया लिख रहे हो, मलेरिया एनटीडी है, मलेरिया एनटीडी है, इस लिस्ट में कहीं पर भी मलेरिया में मलेरिया लिखा हुआ है आपके लिए एनटीडी में, बताइए जरा कहां मलेरिया आपको दिख रहा है, मलेरिया है नहीं, डेंगू तो वायरल है ना कंचन। ठीक है, ओके, तो लीशमेनियासिस या काला आजार एक ही बात है। ठीक है, लीशमेनियासिस या काला आजार एक ही बात है। ठीक है, शागास डिजीज, ठीक है, एक हम लोग ये पढ़े थे, स्लीपिंग सिकनेस पढ़े थे। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस पढ़े थे, उसको हम अफ्रीकन अफ्रीकन कहते थे, अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस। ठीक है, ओके, शागास को अमेरिकन कहते हैं। ठीक है, ओके, शागास को हम क्या कहते हैं, अमेरिकन कहते हैं। ठीक, ओके, बाकी और भी हम कुछ पढ़े थे, स्नेक स्नेक एनवेमिंग मतलब सांप का जो विष होता है। ठीक है, मतलब सांप का जो विष होता है, ओके, अदर्स में हम क्या पढ़े थे, सांप का जो विष है। ठीक है, तो आपको क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत कैसे दिमाग में रखोगे, आप कहोगे मैम 20 के 20 बीमारियां का नाम याद रखने की जरूरत है, तो वो याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इन जनरल चीजें याद रखनी है कि बैक्टीरिया वायरस फंगस जो मैम वहां पर क्लासिफिकेशन बताई थी डिजीजेस में, वही क्लासिफिकेशन आपका एनटीडी में भी है, सिर्फ एक दो जो एक्स्ट्रा नाम है उसको ध्यान में रखो। जैसे ये और ये बैक्टीरिया में हमारे को न्यू नाम, ट्रैकोमा तो हम फिर भी बताए थे आपको, यॉस बुरुली अल्सर, ये सब कुछ न्यू नाम है। ठीक है, ओके, एक गलती तुम लोग की है, मलेरिया को एनटीडी बता दिए, मलेरिया को एनटीडी नहीं कहेंगे। ठीक है, मलेरिया एनटीडी नहीं है, ओके, तो प्लीज प्रोटोजोआ में ध्यान रखना, मलेरिया एंटिटी नहीं है, काला आजार है, शागाज है। ठीक है, ओके, तो ये एक क्या है, ये एक नहीं आहाना, सारे डिजीजेस यहां मेंशन है, अमीबियासिस नहीं है।
नहीं, आपको इस लिस्ट में कहीं पर भी अमीबियासिस दिख रहा है? आपको इस लिस्ट में कहीं पर भी अमीबियासिस दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा ना, ठीक है, ओके, यस, फंगल लिख दिया आपको, माइकोसिस, ठीक, ओके, चल, आगे चल सकते हैं हम लोग, आगे चल सकते हैं, अभी हम इसका और नोट्स बनाएंगे आपके सामने, डोंट वरी। इंडिया में बात करते हैं एंटिटी के बारे, इंडिया में बात करते हैं एंटिटी, 20 में से टोटल एंटिटी 20 होती है, उनमें से 11 बीमारियां, 11 बीमारियों का बहुत ज्यादा भार है हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में बहुत ज्यादा भार है, स्पेशली दो बीमारियां, एक काला आजार और एक फाइलेरियासिस, ठीक है, एक काला आजार, हालांकि वो अब बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है अपने देश में, ठीक है, बट फिर भी जो रिपोर्ट कहती है उसमें है कि कम से कम जो 20 में से 11 बीमारियों का एक बहुत ज्यादा भार है जो इंडिया में है, तो एनटीडी का इंडिया में क्या सीन है आपको वो भी जानना पड़ेगा, ठीक है, और खास करके दो बीमारियों पर फोकस है, एक काला आजार तो फिर भी खत्म की ओर है, और एक है आपका फाइलेरिया रोग, ठीक है, काला आजार और फाइलेरिया रोग या हाथी पाव रोग। हमारा लक्ष्य क्या है, 2027 तक हम लोगों को फाइलेरिया मुक्त होना है, ठीक है, ओके, WHO ने क्या कहा, WHO ने क्या कहा, WHO का लक्ष्य है, इन्होंने रोड मैप तैयार किया है, इनका लक्ष्य है कि हम 2030 तक क्या करेंगे, एनटीडी से बहुत हद तक छुटकारा पाएंगे, ठीक है, अल्टीमेट गोल क्या है, इनका गोल क्या है, वर्ल्ड फ्री ऑफ बर्डन ऑफ एनटीडी, ठीक है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि हम 2030 तक एनटीडी से क्या पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, ठीक है, एनटीडी को हम समाप्त करेंगे, ठीक है, बेसिक वर्ड्स आपको ध्यान रखने, पूरा रखने चलोगे तो एक ही टॉपिक पे रहते रह जाओगे, ठीक है, ओके, इंडिया बाकी और क्या क्या कोशिश कर रहा है, इंडिया क्या क्या कोशिश कर रहा है आपको ये देखना है, आपको हम पहले ही बताए कि फाइलेरियासिस, LF मतलब लिम्फैटिक फाइलेरियासिस, मत चिंता करो, ध्यान रखना, हाथी पाव रोग, हम लोगों का लक्ष्य है कि 2027 तक हमें हाथी पाव रोग से पूरी तरह क्या होना है, मुक्त होना है, इसके लिए क्या शुरुआत की किया गया, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि बहुत सारे लोगों को एक साथ ड्रग देना, ड्रग मतलब नशे वाला ड्रग नहीं, दवाई देना, ठीक है, मास का मतलब है बहुत सारे लोगों को क्या देना, ड्रग देना, दवाई देना, ठीक है, ओके, तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को लॉन्च किया गया है, क्या सोचकर, लक्ष्य बना के कि 2027 तक हम हाथी पाव रोग से पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, हाथी पाव रोग से हमको क्या होना है, मुक्त होना है, ठीक है, ओके, MDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा क्या था, 2018 में, ठीक है, 2018 में क्या हुआ, एक्सेलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फैटिक फाइलेरियासिस, 2018 में भी ये प्लान लॉन्च हुआ था, ठीक है, 2018 में भी ये प्लान लॉन्च हुआ था, और अब लक्ष्य है इसी प्लान को कंटिन्यू करते हुए कि 2027 तक हम इसको पूरी तरह से क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है, ओके, चलिए, और क्या क्या पहल हुआ हुआ है, इंडिया ने किसको समाप्त किया गया है, गिनी वर्म, ट्रैकोमा और यॉस, गिनी वर्म, ट्रैकोमा और यॉस, ये ऐसी बीमारियां हैं जिसको भारत समाप्त कर चुका है, मतलब यॉस अपने देश में एनटीडी अब नहीं है, ट्रैकोमा अपने देश में एनटीडी नहीं है, ठीक है, गिनी वर्म डिजीज अपने देश में एनटीडी नहीं है, तो प्लीज जो भारत समाप्त कर चुका है उसके नाम तो आप ध्यान रख लेना, ठीक है, उसके नाम तो आप जरूर ध्यान रख लेना, ठीक, ओके, यस, बाकी 2005 में इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश ने इकट्ठे मिलकर काला आजार को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मुहिम लगाई थी कि जल्दी डायग्नोसिस हो, काला आजार वगैरह सब खत्म हो, 2005 में इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश ने मिलकर WHO के समर्थन से मिलकर ये किया था कि भाई हर तरीके से सैंड फ्लाई, बिकॉज आपको पता है काला आजार सैंड फ्लाई फैलाती है, तो सैंड फ्लाई को कंट्रोल करना और काला आजार को इस तरह से हम नियंत्रित करेंगे, ठीक है, ओके, वेक्टर डिजीज, वेक्टर यानी रोग वाहक को भी हमको कंट्रोल करना है, ठीक है, मलेरिया के लिए, प्लीज ध्यान रखना कि मलेरिया एनटीडी के लिस्ट में नहीं आता, ठीक है, इन जनरल उन्होंने लिख दिया है वेक्टर डिजीजेस के लिए, क्योंकि मलेरिया मच्छर से फैलता है, बट मलेरिया एनटीडी के लिस्ट में नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके, सो ये क्या है, भारत के तरफ से ये मुहिम है, बाकी हम आपको और कुछ कुछ बीमारियां बता रहे हैं आपको, एनटीडी अभी तो बोले पीके नहीं याद रखनी है, ठीक है, ओके, बाकी कुछ कुछ और बीमारियां देख लो, ये देख रहे हो यॉस डिजीज, इस बीमारी का नाम क्या है, यॉस, किससे होती है,
जो सिफिलिस बैक्टीरिया करता था ना, आपको याद है हम आपको एक बैक्टीरियल डिजीज बताए थे जिसका नाम सिफिलिस था, जिसका नाम सिफिलिस था, बैक्टीरिया का नाम था ट्रिपोनीमा पैलिडम, ट्रिपोनीमा पैलिडम, ठीक है, ओके। तो ट्रिपोनीमा पैलिडम ही यॉज करता है, ठीक है। और यॉज में क्या होता है, इस तरीके से बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, बड़े 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 क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, ठीक है, ओके। स्किन, बोन, जॉइंट्स सबको क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो त्वचा, हड्डी सबको क्या करता है, ये प्रभावित करता है, ठीक है, ओके, यस। ये देखो, ये है गिनी वर्म डिजीज, ठीक है, ये गिनी वर्म डिजीज है, ये एनटीडी है। किसके कारण होता है, ये कृमि संबंधित रोग है। नाम ही है भाई वर्म डिजीज, मतलब कृमि संबंधित, यानी हेलमिंथिक डिजीज है। इंडिया अब इसको क्या कर चुका है, हेलमिंथिक डिजीज, इंडिया अब इसको क्या कर चुका है, खत्म कर चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक माचिस बांधा गया है, यहाँ पे एक माचिस बांधा गया है, दिख रहा है क्यों बांधा गया पता है? ये जो आपको रस्सी जैसी दिख रही है, ये एक्चुअली वर्म है। इस बीमारी में होता क्या है, ये वर्म जो है, ये जो वर्म है, जो कृमि है, गिनी वर्म नाम का, ये घाव से बाहर निकलता है, मतलब शरीर में मौजूद है, घाव में जैसे छेद करके ये क्या है, ये ऐसे बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसका रास्ता आसान हो सके, ठीक तरीके से ये बाहर निकल सके, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसके आसपास एक माचिस की तिल्ली लगा देते हैं, ठीक है, एक माचिस की तिल्ली लगा देते हैं, ताकि इसका रास्ता क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। और जैसे जैसे ये निकलता जाता है, आप माचिस को धीरे धीरे घुमाते जाते हैं, किसी मोमेंट अगर ये टूट गया बीच में से, ठीक है, तो बॉडी में रह जाएगा, बॉडी में और इन्फेक्शन और पेन करेगा, ठीक है, और इन्फेक्शन और पेन करेगा। ताकि ये जल्दी से निकल जाए, इसका रास्ता आसान हो जाए, इसलिए हम लोग इस वर्म के आसपास क्या लगा देते हैं, एक माचिस जैसी तिल्ली लगा देते हैं, ठीक है। मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज में, वहां भी खैर ये बहुत कम देखने को मिली है, ठीक है, बहुत कम देख। धागा कैसे डालते हैं, धागा हम नहीं डाल रहे हैं सुहास, ये वर्म निकल रहा है, ये कोई धागा हम नहीं डाल रहे हैं, ये वर्म निकल रहा है, ठीक है, ये हमारा डाला हुआ धागा नहीं है, ये वर्म है, ठीक है, यही वो कृमि है जो धागे की तरह है और बाहर ऐसे निकल रहा है घाव से, ठीक है। ताकि ये ठीक से निकल सके, इसीलिए हम माचिस लगाए हैं, ठीक है, कि माचिस का सहारा लेके वो आराम से धीरे धीरे निकल सके, खुद ही निकलता है, ठीक है, ये खुद निकलना शुरू करता है, चाहते हैं कि अब जल्दी निकल जाए, तो इस तरीके का ये माचिस लगाया जाता है। हाँ, अब ना के बराबर देखा गया, इवन अफ्रीकन कंट्रीज में भी ये तर्ज पर है इरेडिकेट करने के, इंडिया में खत्म हो चुका है ये पूरी तरीके से, ठीक है, ओके, यस। डायरेक्ट खींच लेना, लेने से ये टूट सकता है सपना, अगर डायरेक्ट खींच लेंगे तो ये टूट सकता है बीच में से, ठीक है, और अगर टूट जाएगा तो शरीर में रह जाएगा और शरीर में सूजन वगैरह सब हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये गिनी वर्म डिजीज है जिसको इंडिया खत्म कर चुका है। ये है शागास डिजीज, देख रहे हो काटने से कितना बड़ा घाव हो गया है, ये है शागास डिजीज, और ये एक कीड़े से होता है, ट्राई एटोमाइन बग से होता है, ठीक है, एक कीड़ा है ये, ठीक है, ये एक कीड़ा है इस तरह से जो काटकर इतना बड़ा घाव कर देता है, ये है शागास डिजीज, ठीक है, ये भी प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। ट्राइपैनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस करता था ना, है ना, उसी का है ट्राइपैनोसोमा, ठीक है, ट्राइपैनोसोमा, इसका नाम है ट्राइपैनोसोमा क्रूजी, ठीक है, ये शागास डिजीज है। बुरुली अल्सर आपको हम दिखाई चुके हैं कि किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, ठीक है, बुरुली अल्सर, नोपिक, एक और ये बीमारी है, ये ऐसे ही देख लो, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। इस बीमारी को हम रिवर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है, इस बीमारी को हम रिवर ब्लाइंडनेस कहते हैं, क्योंकि ये बीमारी फैलाने वाला जो मक्खी है ना, ये पानी में पनपती है, ठीक है, जो फ्लोइंग वाटर है, पानी में क्या होती है, पनपती है, ठीक है। ब्लैक फ्लाई नाम की एक वेक्टर होती है, ब्लैक फ्लाई नाम की एक वेक्टर होती है जो पूरे आंख को प्रभावित कर रही है, ठीक है, ये भी एनटीडी है, ठीक है, ये भी एनटीडी है। हमको पता है तुम्हारा नाम तुम लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, ऑनको सर्सियासिस, लेकिन अगर न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस दे सकता है आपका बीपीएससी, तो बीपीएससी कर क्या सकता है, देख लो, ठीक है, ओके। इसको खैर बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना है कि एक बीमारी मैम बताई थी जिसका नाम रिवर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। रिवर ब्लाइंडनेस क्यों है, क्योंकि इस बीमारी को फैलाने वाला जो कीड़ा है ना,
वो रिवर में जो फ्लोइंग वाटर है, बहता हुआ नदी है, उसमें पनपता है, उसमें पनपता है, इसलिए इसको रिवर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, यस कंचन, तभी कह रहे हैं पहले फाउंडेशन कर लो। फाउंडेशन में ये सारी बातें आपको बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, फाउंडेशन में ये सारी बातें आपको क्या कर चुकी हूँ मैं, बता चुकी हूँ। ठीक है, ओके, यस। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करोगे, दो ही सवाल है, ज्यादा सवाल लाए नहीं है हम। ठीक है, उसी के तर्ज पे बना के सवाल लाए हैं। ठीक है, एक ये सवाल है, देखिए रुको, चैट ऑफ करने तो तुम सब यहीं पे शुरू हो जाओगे। ठीक है, कह रहा इनमें से कौन सी बीमारी को आप एनटीडी कहेंगे? स्नेक बाइट, ट्रैकोमा, लीशमेनियासिस, लीशमेनियासिस को ही काला आजार कहते हैं, ठीक है, और फाइलेरियासिस। ये आपको हम एक्स्ट्रा बता दिए हैं, किसी को काला आजार कहते हैं उसे बोलेगा नहीं आपको एग्जामिनर। ठीक है, इनमें से किसको एनटीडी कहते हैं? ऐसा इसी पैटर्न पे सवाल आया था तुम्हारा। आदित्य प्रेम कैफ, चलो अधिकतर लोग तो समझ गए, अधिकतर लोग तो समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल, स्नेक बाइट, स्नेक बाइट एंड वेनोमेशन, मतलब कहने का मतलब जब सांप काटे या सांप के उससे बाहर निकालने से, स्पिट करने से वेनम निकले या विष निकले, उसी को कहते हैं। ठीक है, ट्रैकोमा आंख की बीमारी है, ट्रैकोमा खत्म कर चुका है इंडिया। ठीक है, लीशमेनियासिस को ही हम काला आजार कहते हैं, काला आजार कहते हैं। ठीक है, फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस को ही क्या कहते हैं? हाथी पाव रोग, हाथी पाव रोग। ठीक है, तो ये सब के सब एंटिटी है, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब आपके एंटिटी। ठीक है, जरा ये सवाल देखो, थम्स अप करोगे तब हम पोल लगाएंगे। लगा दे, आपको बताना है कौन सी बात सही है। थर्टी फोर परसेंट, राजवीर, अभिषेक, प्रियंका। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या लग रहा है वैश्विक स्तर पे बहुत कम लोग इससे प्रभावित हैं? आज की तो रिपोर्ट कहती है 1.65 बिलियन लोग प्रभावित हैं। ये तो नहीं कह सकते ना कि बहुत कम आबादी प्रभावित है, मिनिस्क्यूल ऑफ पॉपुलेशन कह तो नहीं सकते ना, नहीं कह सकते ना, यस। ये नहीं कह सकते, ओके ओके, यस, ये नहीं कह सकते, तो ये बात गलत है, ओके, यस। ओनली इन द डेवलपिंग रीजन्स, ये ठीक बात है, ठीक बात है भाई, डेवलपिंग रीजन्स में ही है। ठीक है, डेवलपिंग रीजन्स में भी है, ओके, डेवलपिंग रीजन्स में ही है। जो भी बहुत विकसित देश होते हैं वहां पे साफ सफाई पानी होता है, तो वहां पर दिक्कत नहीं आती, ये बात ठीक है, ओके, यस, ये बात ठीक है, ओके। सम अमेरिकन कंट्रीज है, उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, सम अमेरिकन कंट्रीज है, ओके, बट चूंकि डेवलपिंग रीजन्स लिख दिया तो आप वन को सही मानेंगे,
ओके, वन को आप क्या कहेंगे, सही मानेंगे। उसके बाद है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इन सबसे होता है, तो ये बात भी सही है। तो वन एंड टू सही है, ठीक है, वन एंड टू आपका क्या है, सही है। थर्ड पॉइंट गलत है, क्योंकि लिखा है कि विश्व स्तर पे बहुत कम आबादी, बहुत कम आबादी है, ठीक है, बहुत कम आबादी है, ये गलत बात है। अगर बहुत कम आबादी होती तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं था ना इस बीमारी के बारे में चर्चा भी करने का। 1.65 बिलियन कम होता है क्या? 1.65 बिलियन कम तो नहीं होता है, ठीक है, ओके, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट देना था, ठीक है, चलो, ओके। एक बार हम लोग इसको समराइज करते हैं, ठीक है, एक बार हम लोग इसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये पूरा कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा, बिकॉज हम लोगों को क्वेश्चन बीपीएससी ने दे दिया किस पर, टीनियासिस और न्यूरोसिस्टिसरकोसिस पर सवाल दे दिया। सवाल का जड़ क्या था, सवाल का जड़ था जनवरी 2023, ठीक है, जनवरी 2023 में हुआ क्या था, जनवरी 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की थी, ठीक है, ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट, ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट, ठीक है। और ये ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट किसके बारे जिक्र कर रहा था, NTD। N क्या है, नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड का मतलब क्या है कि जिन बीमारियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि विश्व स्तर पर ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी नहीं है इनके लिए, नो ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। देख लो कि अगर आपको मेंस में ऐसे सवाल आ जाए, हम बस एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो आपको किस तरीके से अपने पास मैटर इकट्ठा रखना चाहिए, ठीक है, तैयारी ऐसे करें कि प्रीलिम्स का भी हम समझ जाए कि हाँ मैम क्या MCQs बन सकते हैं, और मेंस में भी अगर हमको लिखना पड़े तो हाँ किस तरीके से मेरा आंसर का सीक्वेंस चलता है, ठीक है। अब जैसे तुम मान लो तुम कोई भी वेब सीरीज देखते हो, आजकल वेब सीरीज देखते हो तुम लोग ना, यस वेब सीरीज देखते हो तुम लोग ना बहुत तरीके की, है ना, तो अब उसमें एपिसोड वन के बाद टू ही देखते हो ना, अगर वन के बाद फोर देखते हो तो कुछ समझ में तो नहीं आता है, मिर्जापुर देखते हो वन के बाद फोर देखोगे समझ में नहीं आएगा ना, सिलसिलेवार ढंग से जब चीजें चलती हैं तो आपको देखने में भी अच्छा लगता है, समझ में भी आता है, ठीक है, ओके। सेम चीज एग्जामिनर के साथ है, जब एग्जामिनर आपका आंसर कॉपी पढ़ेगा, हम ये मेंस की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम मेंस की बात कर रहे हैं, जब एग्जामिनर आपकी मेंस की आंसर शीट पढ़ेगा, अगर आपने हैपहजार्ड मचाया हुआ है, ठीक है, इधर उधर चीजें लिखी हैं, तो कहीं ना कहीं कट लेते हैं वो, और तुम्हारे नंबर भी काट लेते हैं, ठीक है। वही चीजों का अगर आप एक सिलसिलेवार तरीके से अरेंज करके रखते हो तो ऐसे ही आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है ना, ऐसे ही एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है, तुम खुद सोच के देखो, है ना, तो बहुत अच्छे से आप नंबर स्कोर कर सकते हैं अगर आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में, बहुत ही विस्तृत तरीके से चीजों को लिखते हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ो मेंस के लिए, या अब मेंस प्रीलिम्स एक ही है ये समझ जाओ, और अपने आप को बार बार ये हम हर क्लास में बोलते रहेंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में ये चीज उतर जाए कि हाँ प्रीलिम्स मेंस एक है, ठीक है। तो अब पढ़ना है लिखना है इस तरीके से, आपको अपने भी नोट्स बनाने हैं कि आप बिल्कुल एक सीक्वेंस फॉलो करें, है ना, एक पूरा सीक्वेंस फॉलो करें ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आए, ठीक है, चलिए। सो नेग्लेक्टेड क्यों है, नो ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी, मतलब विश्व स्तर पर क्या है, कोई स्वास्थ्य संबंधी योजना नहीं है इन बीमारियों के लिए, स्वास्थ्य संबंधी योजना नहीं है, इसीलिए ये नेग्लेक्टेड है, ठीक है, इसीलिए ये नेग्लेक्टेड है। ट्रॉपिकल शब्द ही क्यों चुना, क्योंकि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होती है उनमें ऐसा क्लाइमेट है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है ना, ह्यूमिडिटी अधिक है, आर्द्रता अलग है, आर्द्रता ज्यादा है, इस वजह से जो वेक्टर्स होते हैं, जो वेक्टर्स हैं यानी कि जो रोग वाहक हैं, जैसे मच्छर मक्खी, ये ज्यादा पनपते हैं, रोग वाहक क्या है, दे फ्लरिश, इंग्लिश में कहते हैं दे फ्लरिश, रोग वाहक पनपते हैं, पनपते हैं, ठीक है, ओके, यस। आगे देखो, डिजीज यानी कि रोग, तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। हर साल क्या किया जाता है, 30 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। कब से मनाना शुरू किया गया, 2020 से इसकी शुरुआत हुई,
शुरुआत कब से हुई? 2020 से. कब मनाया जाता है? हर साल 30 जनवरी को. ठीक है, ओके. अब इस बार की रिपोर्ट की की पॉइंट्स क्या थी? की पॉइंट्स क्या थी, मुख्य बिंदु क्या थे इस साल के रिपोर्ट के? मुख्य बिंदु क्या थे भाई, बताइए जी. क्या क्या मुख्य बिंदु थे कि बताइए, क्या था मुख्य बिंदु? कि 80% भार जो है, 80% लोड जो है एनटीडी का, वो कहां पर है? वो लगभग 16 देशों में है, 16 कंट्रीज में है. 16 देशों पर 80% क्या है? भार है. और बताइए क्या था? विश्व भर में लगभग 1.65 या 1.64 बिलियन लोग क्या है? अफेक्टेड है, यानी कि प्रभावित है. ठीक है, नहीं ये बात लिखी हुई थी, एक सेकेंड, बात ये लिखी हुई थी कि 1.65 बिलियन लोगों ने कभी ना कभी एक बार एनटीडी का ट्रीटमेंट लिया है ना, एक बार कभी ना कहीं एनटीडी का ट्रीटमेंट जरूर लिया है, ये बात. ठीक है, ट्रीटमेंट लिया है, ये मुख्य बिंदु था. रिपोर्ट का मुख्य बिंदु क्या था ये बताओ पहले. ठीक है, ओके, यस, ये दो मुख्य बिंदु थे. और तीसरा मुख्य बिंदु क्या था कि कोविड काल में, कोविड के टाइम में या कोविड काल में क्या है, 34% लोगों को कम इसका इलाज मिला है, कम इलाज मिला है कोविड के कारण. ठीक है, तो कोविड के कारण इसका बर्डन या इसका लोड जो है वो बढ़ गया है. ठीक, ओके, ठीक है. अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं, एनटीडी इन इंडिया, एनटीडी इन इंडिया भारत में, तो भारत में 20 में से 11 तरह का, 11 टाइप्स का लोड जो है, भार जो है वो बहुत अधिक है. 11 एनटीडी का भार क्या है? वो भार अधिक है. ठीक है, खास कर पे दो बीमारियों पर जोर है. एक है आपका काला आजार. काला आजार को ही लीशमेनियासिस कहा जाता है, क्योंकि लीशमेनिया के वजह से होता है ना, इसी को लीशमेनियासिस कहा जाता है. ठीक है, और साथ में फाइलेरिया रोग, फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस या हाथी पांव रोग. ठीक है, खास तौर पे इन बीमारियों का लोड इंडिया में ज्यादा है. ठीक है, बीमारी के मुख्य बिंदु, तो तुमको सबसे पहले क्या क्या पॉइंट्स इसमें लिखने होंगे भाई? आपको सबसे पहले रिपोर्ट के बारे लिखना है कि जनवरी 2023 में ये रिपोर्ट जारी की गई. ठीक है, रिपोर्ट किस पर जारी की गई? एनटीडी के बारे. एनटीडी क्या है? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज. ये कितनी बीमारियों का समूह है? ये टोटल 20 डिजीजेस, 20 बीमारियों का समूह है, जो कहां पर देखे जाते हैं? जो डेवलपिंग रीजियंस हैं. ठीक है, जो डेवलपिंग रीजियंस हैं या जो भी गरीबी वाले क्षेत्र हैं, कहां कहां के? अफ्रीका के, एशिया के, और कुछ पार्ट्स अमेरिका के. ठीक है, कुछ पार्ट्स अमेरिका के. ठीक है, ओके, अफ्रीका, एशिया और कुछ पार्ट्स अमेरिका के, जो भी डेवलपिंग रीजियंस हैं उनमें ये बीमारियां देखी जाती हैं. ठीक है, नेग्लेक्टेड क्यों है? आपको अच्छे से पता है, हेल्थ पॉलिसीज नहीं आज तक आई गई, इसीलिए हम बीमारी को नेग्लेक्टेड कह रहे हैं. ट्रॉपिकल क्या है, डिजीज क्या है, ये हमने आपको समझा दिया. रिपोर्ट के मुख्य बिंदु ये हैं. इंडिया में क्या है? इंडिया में ये बात है. ठीक है, इंडिया में ये बात है. ठीक है, ओके, आगे देखो. इसके बाद आपको क्या देखना है कि क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, है ना, क्या क्या कदम इसको कम करने के लिए उठाए जा रहे हैं. तो कदम क्या उठाए गए हैं, स्टेप्स क्या लिए गए हैं? स्टेप्स को आप दो पार्ट्स में लिख सकते हो. एक स्टेप्स आपके WHO ने लिए हैं और एक स्टेप्स आपके इंडिया ने लिए हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या क्या स्टेप लिया है? आपको नहीं लगता कि अगर हर साल हम 30 जनवरी को एनटीडी दिवस मना रहे हैं तो ये एक तरीके से जागरूकता की बात है ना? कहीं ना कहीं अगर आप इस दिवस को मना रहे हैं तो आप लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं, है ना, अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो ये भी तो एक WHO के तरफ से एक मुहिम ही हुई ना इसको करने के लिए. और WHO ने लक्ष्य क्या रखा है कि इन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है 21 से 30 का, है ना, 21 से 30 का इन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है कि भाई हमको 2030 तक क्या करना है, एनटीडी फ्री वर्ल्ड बनाना है. एनटीडी फ्री वर्ल्ड मतलब एक ऐसे विश्व की स्थापना करनी है जहां पर एनटीडी होगी ना. ठीक है, 2030 तक हमको इसको खत्म कर देना है. ठीक है, इंडिया ने बाकी क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? तो इंडिया ने सबसे पहला स्टेप आप लिख सकते हो लिया है किसको मद्देनजर रखते हुए, फाइलेरिया रोग को मद्देनजर रखते हुए. ठीक है, ओके, 2018 में भी एक प्रोग्राम चल रहा था, एक्सेलरेटेड प्रोग्राम फॉर इरेडिकेशन ऑफ फाइलेरिया. ठीक है, और इनका लक्ष्य क्या है कि 2027 तक फाइलेरिया मुक्त करना है, भारत को क्या करना है, फाइलेरिया मुक्त करना है.
उसके लिए इन्होंने मुहिम क्या चलाई है, MDA यानी कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करके क्या किया है, एक मुहिम चलाई है, किन्होंने, इन्होंने चलाई है कहां पर, भारत में चलाई है, ठीक है, ओके। फाइलेरिया से संबंधित दो ध्यान रखना, एक 2018 में और एक 2027 में। और क्या है भाई, 2005 में WHO के सपोर्ट के साथ इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, इन्होंने क्या किया था भाई, बांग्लादेश काला आजार को खत्म करने के लिए, काला आजार को समाप्त करने के लिए, क्योंकि आपको पता है काला आजार फैलाने वाला जो वाहक है वो सैंड फ्लाई है ना, तो सैंड फ्लाई को क्या करना है, खत्म करना है, ऐसी सुविधाएं रखनी है, साफ सफाई रखनी है कि सैंड फ्लाई खत्म हो, जिसके वजह से काला आजार भी कहीं ना कहीं क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तीसरा और क्या क्या किया हुआ है भाई, वेक्टर डिजीजेस को कंट्रोल करना है, जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस है, मतलब जो बीमारियां रोगवाहक से फैलती हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, फाइलेरिया हो गया, इन सबको क्या करना है, कंट्रोल करना है, इन सबको कंट्रोल करना है। और कुछ, और कुछ जल्दी जल्दी बताओ, और कोई स्टेप्स जो हम मिस कर रहे हैं इंडिया के द्वारा लिया गया, इंडिया ने क्या किस किस को खत्म कर लिया है ये बताना है। हाँ सपना, मलेरिया एंटिटी नहीं है पर वेक्टर बोन तो है ना, वेक्टर बोन डिजीज तो है ना, वाहक से तो फैलता है ना, मच्छर वाहक है, ठीक है। और क्या क्या स्टेप्स लिया है भाई, क्या क्या खत्म हो चुका है, तो तीन बीमारियां इंडिया में खत्म हो चुकी है, ट्रैकोमा, योज, और तीसरी बीमारी कौन सी है भाई, बहुत बढ़िया, गिनी वर्म, बुरुली अल्सर खत्म नहीं हुआ डियर, गिनी वर्म डिजीज, गिनी वर्म डिजीज, ठीक है, ट्रैकोमा, योज एंड गिनी वर्म डिजीज जो है ये क्या हो चुका है, एनटीडी इंडिया में इरेडिकेट हो चुका है। इरेडिकेट का मतलब क्या है, खत्म हो चुका है, इरेडिकेटेड, ठीक है, इंडिया में खत्म हो चुका है, समझे। ये था आपका एनटीडी, ये था आपका एनटीडी, ठीक है, तो देख रहे हो कि अपना बीपीएससी किस लेवल पे जा रहा है, कहां कहां से ये चीजें लग रहा है। अब तुम लोगों को देखो बहुत क्लासिफिकेशन एक हम आपको लिखा दे रहे हैं, ठीक है, एक क्लासिफिकेशन चाहो तो लिख सकते हो, हम एक क्लासिफिकेशन लिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, बस क्लासिफिकेशन लिखा दे, क्योंकि तुम लोगों को क्लासिफिकेशन में लग रहा है कि मैम ये सब याद तो नहीं करना है, तो सब याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्लास में लिखा रहे हैं ये बात बताओ, तुमको टॉपिक मुश्किल लगा क्या, एक बात ऑनेस्टली बताओ, टॉपिक पढ़े हम लोग एक घंटे से पढ़ रहे हैं, मुश्किल लगा टॉपिक, ऐसा लगा कि मैम समझ दिमाग से ऊपर निकल गया, कुछ भी समझ में नहीं आया, हाँ थोड़ा मुश्किल लगा रहे, हमको तो नहीं लगा मुश्किल, तो इजी चीज है। चलिए है ना, इजी चीज ही है, बहुत मुश्किल तो आई डोंट थिंक लगा होगा, ठीक है। तो टॉपिक्स अपने ऐसे ही हैं, आज शाम में यूट्यूब पे आपको मैं वैक्सीन पढ़ाऊंगी, ठीक है, बिकॉज mRNA वैक्सीन इस बार आपका क्या कहते हैं, इसमें भी पूछा गया, बीपीएससी में भी पूछा गया, वैक्सीन रिलेटेड आपके दो सवाल थे, इस बार भी यूपीपीसीएस में भी पूछा गया और हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, ओके। तो आज 7 बजे वैक्सीन पर आपकी क्लास है, ठीक है, ओके, आज 7 बजे आपकी किस पर क्लास है, वैक्सीन 6:15 होगी या 7 होगी, बार देख लेते हैं तहसीन, ठीक है, हो सकता है आपको क्लिनिक से थोड़ा लेट हो जाएगा आने में, इसलिए 7 बजे शायद रखेंगे, हम टाइम कंफर्म कर देंगे, ठीक है, ओके। सो क्या कहते हैं, आज फिर हम लोग की वैक्सीन की भी क्लास होगी, ओके, वैक्सीन की भी क्लास होगी, अरे यूट्यूब पे होगी भाई वैक्सीन की क्लास, ठीक है, तो एक तरीके से करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स को इसके साथ हम लोग जोड़कर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स को इसके साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, जोड़कर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी आप में से जो भी लोग जानते हैं, चाहते हैं पेड बैच पढ़ना, तो 12th of October से बैच आ रहा है मेरा, सुबह 11 बजे, उसके लिए आप क्या करिएगा, उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, क्योंकि अभी 40% का डिस्काउंट है अगर आप कोड यूज करेंगे एराज में, ठीक है, ओके, यस, अगर आप कोड यूज करेंगे एराज लाइव,
ठीक है, 2018 में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ था, 2018 में एक्सेलरेटेड प्रोग्राम शुरू हुआ था फॉर इरेडिकेशन ऑफ फाइलेरिया. एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है? जो प्रोग्राम तेजी से होता है. ठीक है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हाल में शुरू हुआ है जिसका लक्ष्य है 2027 तक फाइलेरिया को क्या कर देना, पूरी तरह से समाप्त कर देना. ठीक है, ओके. तो तुम लोग, अब तुम लोग को करना क्या है, तुम लोग जब क्लास खत्म हो जाएगी इस पीडीएफ को डाउनलोड करो, अपने पास रखो. जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो इसका नोट्स बनाएंगे और एक तरीके से अपने पास ऐसा नोट्स रखेंगे कि आप समझ लीजिए आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं. ठीक है, आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं. ठीक है, क्योंकि अभी देखो बहुत लोड तुम लोगों के पास है नहीं, तुम लोग के पास अभी बहुत लोड तो है नहीं पढ़ने का, तो अभी तुम लोग आई थिंक एक दिन में एक क्लास का नोट्स बना सकते हो. ठीक है, यही है कि हम अभी से ही आपका दो दो क्लास लेना शुरू कर दिए हैं ताकि आप लोगों का धीरे 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 चीजें कवर होती चली जाए. ठीक है, तो अभी हम दिन के रोज दो क्लास लेंगे. ठीक है, कल भी 11 बजे आपकी इस टाइम पे क्लास होगी, परसों से तो खैर बैच ही शुरू हो जाएगा. ठीक है, परसों से तो बैच ही शुरू हो जाएगा, कल भी 11 बजे होगी, शाम में यूट्यूब की क्लास होगी. ठीक है, शाम की क्लास भी करना, वैक्सीन वाली क्लास, बहुत इजी क्लास है. ओके, और आपको बहुत मजा आएगा वैक्सीन वाला ये करके कि कौन सी वैक्सीन किस पद्धति से काम करती है, कैसे काम करती है. ठीक है, लिंक यूट्यूब का अभी तक टीम ने बनाया नहीं है, तो जैसे ही बनाएंगे हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप और आपसे टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे. ठीक, ओके, डन. इसको थोड़ा देख लेना और अपने पास लिख के रखना. एनटीडी क्लासिफिकेशन तो खैर अभी हम लिखवाए थे थोड़ी देर पहले ना, ये तो ये रहा क्लासिफिकेशन, ये रहा क्लासिफिकेशन. ठीक है, ओके, यस. विनी, इट इज योर विश, इफ यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट अचीवर्स बैच कर लो, अगर आपको बाइलिंगुअल पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी बैच कर लीजिए. एनसीईआरटी बैच बाइलिंगुअल था, अचीवर्स बैच में भी एनसीईआरटी पढ़ाया, बट द ओनली डिफरेंस इज अचीवर्स बैच वाज इंग्लिश मीडियम बैच, यहाँ पे आपको नोट सिर्फ इंग्लिश में है. मैंने एक्सप्लेन तो हिंदी में ही किया है, बट नोट्स आपके इंग्लिश में. ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो ठीक है. ऐसे ही कल सेशन के साथ मिलेंगे, अभी क्योंकि मुझे भी तैयारी इसमें आपको इकट्ठे पढ़ाने के लिए काफी तैयारी करनी पड़ रही है, तो कल का टॉपिक मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगी, एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कि और क्या क्या अभी चल रहा है इसमें, फिर करते हैं. शाम का टॉपिक आपको मैंने बता दिया है, वैक्सीन. ठीक है, ओके ओके जी.